हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो पहाड़ों की वादियों में आपका स्वागत है और मैं हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मंडी से ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे तो वंदना भारद्वाज ब्लॉग्स में आपने देखा ही होगा, लेकिन यहाँ पर भी मैंने सोचा कि आपके साथ मिनी ब्लॉग्स शेयर करती हूँ। और फेसबुक पे भी आपको ये ब्लॉग्स देखने को मिल जाएंगे। तो मेरे पेज का नाम है, क्या नाम है भूल गई मैं खुद ही, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। जनाब आपको तो पता होना चाहिए था। मैं ही भूल गया यार शायद। ले जी कमाल हो गया, देखो फेसबुक का पेज ही याद नहीं है। देखो ऐसे हैं मेरे जनाब, ये भुलक्कड़ टाइप, पता नहीं मुझे ना भूल जाए कभी, ऐसा मत करना है ना। कोई चक्कर नहीं, भूल भी पता चले कि आप मुझे भूल गए। और आज चली हुई है दिवाली की साफ सफाई, और मैं चलो पहले आपको परे वाला सीन भी दिखा के आती हूँ। झाड़ू मैं आपको दिखा देती हूँ, हमारा देसी वाला झाड़ू मैंने लिया हुआ है। ये इसलिए लिया हुआ है कि बाहर के लिए बेटर रहता है, मतलब काफी बड़ा एरिया एक साथ ही कवर कर देता है ये। देखो बाकी जो छोटे छोटे झाड़ू होते हैं ना, तो वो इतना एरिया कवर नहीं करते। और मैंने ऊपर से लेके नीचे तक आज सारा साफ़ करना है, क्योंकि दिवाली की सफाई है भाई, अच्छे से होनी चाहिए। और फिर बनाएंगे हर जगह। हम लोग लोकल में यहाँ पे ना लिखड़ू डालते हैं, लिखड़ू मतलब लिक्विड वाला कलर लेकर के आते हैं ना, उससे पहले चूने से डालते थे, वाइट कलर के होते थे, जैसे कच्चे मकान होते थे ना, तो उसमें लिपाई होती थी गोबर से, तो उसमें वो बहुत ज़बरदस्त दिखते थे। और बाकी यहाँ की जो खास डिश है दिवाली पे बनाई जाती है, वो है चिलड़ू। वो काली दाल के साथ खाते हैं, देसी घी डाल करके। और अगर देसी तरीके से खाना हो तो दूध में शक्कर डाल करके, घी डाल करके उस तरह से खाते हैं, तो मज़ा ही आ जाता है। पर चलो अब उतनी ताकत है नहीं शरीर के अंदर भी कि वो उतनी हैवी चीज़ों को पचाए, तो अब तो कम हो गया है। पर वह हाँ, गांव के लोग जैसे आपको पता ही है, पहाड़ जरा दिखाइए आप पहाड़ों की तरफ को, तो पहाड़ हैं तो यहाँ पे चढ़ना उतरना, और देख सकते हो आपके घर भी देखो किस तरह से हैं, बिल्कुल एकदम पहाड़ी के इस तरह से, बिल्कुल घचपच वाले घर नहीं होते दूर दूर से, तो समझ ही सकते हो आप कि जब इतना चढ़ाई उतरनी चढ़नी तो चीज़ें इजीली पच भी जाती थी। लेकिन अब लोग थोड़ा सा जैसे खेतों में काम करना कम हो गया, शहरों जैसे अब ये मार्केट प्लेस है, तो यहाँ पर भी अगर हैं भी खेती बाड़ी तो उसको छोड़ दिया है, करते नहीं। अभी जॉब वॉब में पैसा ठीक आता है तो लोग उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा हो गया, और पहाड़ों में ना मेहनत ज़्यादा होती है खेतों में, सीढ़ीनुमा खेत होते हैं। चलिए इसके बाद मैं आपको परे वाला सीन भी दिखा देती हूँ एक बार। तो इस साइड को ना हमारे धूप बहुत अच्छी लगती है, तो हम लोग ना बस इधर को ज़्यादा बैठते हैं, बस परे से हमने अपना काम निपटाया फटाफट से और आ जाते हैं इधर को। देखो यहाँ पे आपको कपड़े ही कपड़े नज़र आएंगे चारों तरफ आगे तक, मतलब कपड़े ही कपड़े आपको नज़र आएंगे, क्योंकि कल के भी धुले हुए थे ना, वो अच्छी तरह से इनमें धूप लगाएंगे। बाकी कुछ जैकेटें हैं ये भी मैंने निकाली हुई थी, जैसे इनमें धूप लगेगी फिर मैं इनको डालूंगी। और कमरों की भी अच्छी तरह से साफ सफाई होगी। बाकी खाने में हमने आज पत्ता गोभी के परौंठे खाए। हाँ जी आप कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, ये तो पत्ता गोभी के परौंठे खाए। हाँ जी हाँ जी पहन सकते हैं आप, वो बच्चों के साथ एक क्लोल हो गई। हम लोग ना कल चले जी दिवाली की शॉपिंग करने चले, तो बच्चे तैयार हो गए कि चलो चलो मम्मा चलो चलो, और मैं लग गई साफ़ सफाई के कामों में, तो वहीं से मतलब फ्री नहीं हो पाई और शाम हो गई। फिर कुछ एक यहाँ पे भी वीडियोस बनाए तो लेट हो गई थी, और फिर जैसे मतलब फ्री हुई तो अंधेरा सा होने लग गया था। फिर हस्बैंड ने बोला कि बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका होगा मार्केट में, और बारिश हुई भी थी ना परसों, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी तो हर जगह ही फिर कीचड़ कीचड़। तो फिर हम लोग मैं क्या कल ही करते हैं शॉपिंग, वैसे तो आज संडे है पता नहीं है, पर दिवाली के दिन तो कहाँ ही शॉपें बंद होनी। पर मे भी अगर ऐसा कुछ हुआ कि, क्योंकि शॉपकीपर्स ने भी तो बनानी है ना दिवाली, नहीं तो हम ऐसा नहीं होता है, आज चाहे संडे हो चाहे छुट्टी हो, लेकिन मार्केट आज ही तो उनकी ठीक सेल होनी है आज ही तो ठीक वो होता है। तो चलिए अभी मैं भी जल्दी जल्दी करती हूँ, और अभी हमारी शॉपिंग भी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी मेरे को दिए लेकर के आने हैं, सब कुछ मतलब जो कुछ भी लाना है, वो कलर लाने हैं, लिखनू डालने हैं, और अभी तक ना हमने अपनी वो लाइटनिंग भी नहीं लगाई हुई है, तो जनाब अभी उसको ढूंढते हैं फटाफट से ना, ढूंढना क्या हमने रात को ही लगाई थी। अच्छा नहीं तो अभी हम लगा देंगे ना दिन दयाल काम कम्प्लीट ना, पिछली दिवाली को मैं बहुत लेट हो गई थी, शायद हमने ना 10 बज गए थे खाना खाने में। ओके जी ओके, 11 बज गए थे कुछ ऐसे, मतलब सोते सोते तो खैर इतना तो बज ही जाते हैं ना सोते सोते, बट फिर भी लेट हो जाते हैं तो बच्चे लग जाते हैं फिर ऐसे बोलने ना, क्योंकि हम लग गए, मैं हमेशा ही लेट हो जाती हूँ, क्योंकि एंड मोमेंट तक ना मेरी साफ सफाई चली ही रहती है। तो एक बार हम अपने जनाब का भी आपको दर्शन करा देते हैं,
और ये देखिए ये रहे हमारे जनाब। हेलो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे ना इस साइड को आइए आप, क्योंकि ना ये होता है कि हमारे जो कैमरे होते हैं ना ये भी सूरज की रोशनी की तरफ को थोड़ा सा नहीं बट एक जैसा ही दिख रहा है। तो सबसे पहले ये इस वाले मोबाइल में ना कलर्स का बहुत ज्यादा वो रहता है, मतलब बंदे को डार्क कर देता है बिल्कुल ही ना। और कि दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब एंजॉय करो दिवाली में, खूब पटाखे वगैरह अच्छे अच्छे मतलब क्या बोलते हैं उसको, मिठाइयाँ खाएं। लेकिन अगर आप चाहे तो खुद मतलब घर में बनाए तो वो ज्यादा अच्छी रहती है, ठीक है। और अच्छा ये संदेश आप मुझे दे रहे हैं, पटाखे ज्यादा ना फोड़े, पॉल्यूशन होता है, नहीं मिठाई बनाने का संदेश। हाँ वही वही वही, क्योंकि जो खुद की होती है ना, अब खुद में यार घर में कोई भी चीज बनाओगे ना तो उसकी बात ही अलग होती है। हाँ नहीं वैसे भी दिवाली के दिन तो मिलावटी मिठाइयाँ बहुत बिकती है ना। वही वही वही, तो ये हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं जैसा कि आप देख ही रहे हैं इनको, ये बिल्कुल फिटनेस पे ध्यान देते हैं और मैं थोड़ा सा खाने पीने पे ध्यान देती हूँ। तो वही बात है ना, अगर फिटनेस पे हम ध्यान नहीं देंगे ठीक है तो फिर यार शरीर है, शरीर पर, शरीर एक अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। जी हाँ जी ठीक है, कि अभी किस चीज की कीमत, अगर सपोज करो आप गाड़ी ले लोगे, बाइक ले लोगे, उसकी तो चलो कीमत है ठीक है, लेकिन शरीर को भी वैसे मेंटेन करो ना कि हाँ भाई यार इसकी कोई अनमोल है, जितना आप उसको स्वस्थ रखोगे उतनी आपकी लाइफ चलेगी। हाँ जी नहीं सही बात है, कोई भी अगर पुर्जा खराब हो जाए तो करोड़ों रुपए देने के बाद भी वो पुर्जा मिलेगा नहीं। और गाड़ियों का क्या है, पुर्जा खराब हो गया दूसरा डल जाता है। वाह क्या बात है, आज आप गाड़ियों के बारे में कुछ ज्यादा ही चर्चा कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि दिवाली में गाड़ी ले ली जाए कुछ, अरे पर वही देख रहा हूँ मैं कौन सी गाड़ी ली जाए ना, गाड़ी चेंज करनी है मैंने। अरे है ना देखो, ओल्ड इज गोल्ड, मैं तो ये मानती हूँ, ओल्ड इज गोल्ड। मैं भी दिख रही हूँ क्या, नहीं मैं ऐसे ही देख लेती हूँ खुद को। नहीं दिख रही है, दिख रही हूँ। हाँ, तो ओल्ड इज गोल्ड एंड गोल्ड इज ओल्ड, तो चलिए बस बस मैं ऐसे ही चेक कर रही थी, मैं इसको आगे पीछे कर रही थी ना थोड़ा सा, क्योंकि ना मैं इनका वाला ये फोन ज्यादा यूज करती नहीं हूँ, तो यूज नहीं करती तो फिर मुझे इसके फीचर्स के बारे में भी इतना ज्यादा पता नहीं है। तो ठीक है फिर मैं नहीं तो लेट हो जाऊंगी, क्योंकि मैंने ना अभी तक अपना किचन का हालत सुधार नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना मिट्टी के चूल्हे होते हैं घर के अंदर, चिमनी बनाई होती है तो उसमें लिपाई पुताई दिवाली के दिन बोलते हैं बहुत ज़रूरी होती है, तो लिपाई पुताई का काम तो मेरा नहीं है क्योंकि मैंने वो लिया हुआ है लोहे वाला चूल्हा, और सोचा था कि दिवाली तक बनाऊंगी मिट्टी वाला भी बट बना नहीं पाई, फिर उस वजह से मैं सोच रही हूँ कि उस वहीं पे साफ़ सफाई करती हूँ। और कलर करना था यार उस पे चिमनी के अंदर ना, वो सारे ही काला काला हो रखा है और निकल रहा था, उखड़ रहा था, क्या करें। तो यार कलर तो आज हो नहीं सकता है ना, होने को तो कुछ भी हो सकता है ना, बस आप ये बोलिए कि कलर है ना ऊपर, चेक कर लेते हैं। ढूंढना पड़ेगा पहले, फिलहाल चलो उसको देख लेंगे ना, वो तो कल नहीं देख लेंगे। मैं मेरे खाने में क्या बना देखो रहे हो? मेरे डिक्शनरी में ना इम्पॉसिबल नाम का कोई वर्ड नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल जो वर्ड है ना कलर है ही नहीं, सारा बच्चा बाल्टियों फेंक दिए साफ कर दिए बाल्टियां, वो कोई बात नहीं, सुनो तो सही, इम्पॉसिबल जो वर्ड है ना उसमें आई एम, अगर आप उसको ब्रेक कर देते हो ना तो आई एम पॉसिबल, देखना ट्राई करके। क्या बात है जी, क्या तो बात है, आपको समझा रही थी कि आपको जब भी मैं कुछ भी बोलती हूँ ना पहले आप ये ढूंढने लग जाते हो कि ये काम होना ही नहीं है, है ही नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। अगर मैं आपको बता दूं कि ऊपर एक ब्लैक कलर भी है जो लिफाफे में था उस दिन, मुझे अभी भी याद है। अरे भैया वो दरवाजा वो था दूसरा पेंट है, वो नहीं है ऐसा, वो कैसा पेंट नहीं है, ठीक है दीवारों वाला नहीं है वो, दीवारों वाला भी हम जुगाड़ करेंगे, अभी टेंशन नहीं लो आप, क्योंकि हम हैं तो क्या। दरवाजों वाला था वो ही, दरवाजे वाला नहीं था वो, ब्लैक कलर वो भाई ब्लैक कलर दरवाजे में कहाँ लगाना था बोलिए। अरे भाई वो ये सीढ़ियों के लिए लाया होता, लोहे में ब्लैक कलर करना था, सीढ़ियों के लिए था वो अलग सा, वो समझी लोहे वाला कलर था। चलो कोई नहीं, अभी उधर भी बच्चे हुए हैं कलर वहीं से निकाल लेंगे, वो जो ऊपर नहीं लगे थे जो फूल बना था उसमें डिफरेंट कलर्स का यूज हुआ था, बहुत सारे बच्चे हुए थे तो वो मैंने वो नहीं आएंगे, वो नहीं लगेंगे उसमें, वो खत्म हो गए, सूख गए हैं, वो सूख गए तो हम उनको। और हम यहाँ अपनी बेटी की, हमारी शान भी बेटी है ये बस, और बेटी कैसे गई। अच्छा ये इसमें तैयार हुई तू, ये घर में पहने हुए थे इसमें तैयार हो गई, ये हर वक्त बस तैयार हो गई, जीन की पैंट डालने से नहीं होगा, ये भी चेंज करना पड़ेगा। नहाई कल ना आ गई थी मैं तो, कल ना आ गई तो सदा के लिए ना आ गई, वाह वाह वाह। चलो फिर फिर चलते हैं बाजार की तरफ, एक बार मेरे सामने भी हो जाए, बाजार में भी आपको दिखाते हैं शॉपिंग कैसे कैसे लगाई है क्या क्या है, ठीक है फिर चलिए।